वहीं प्रदेश में कोरोना का एक बार फिर से प्रकोप बढ़ता दिखाई दे रहा है। पहले त्योहारी सीजन और फिर शादी की धूमधाम के बीच जयपुर में सर्वाधिक केस सामने आए, जिसमें चिंता की बात यह है कि स्कूली बच्चे भी संक्रमण की जद में हैं। इसके बाद चिकित्सा विभाग ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी और चिकित्सा विभाग में खलबली मच गई है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में कोरोना की एक बार फिर दस्तक दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले जहां राजस्थान में एक्टिव केस 20 के नीचे आ गए थे, वहां पिछले एक सप्ताह में 64 से ज्यादा पॉजिटिव केस चिन्हित किए गए हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा केस राजधानी जयपुर में सामने आए हैं। चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इनमें 3 स्कूली बच्चे हैं। रामबाग स्थित SMS स्कूल में भाई बहन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है, जबकि इससे पहले महापुरा स्थित JPIC स्कूल का एक बच्चा भी कोविड पॉजिटिव मिला है। स्कूलों के 100% क्षमता के साथ खुलने के साथ ही बच्चों में संक्रमण ने चिकित्सा विभाग की नींद उड़ा दी है। हालांकि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का दावा है कि वे स्कूलों में भी स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, लेकिन पिछले कटु अनुभवों को देखते हुए उन्हें भी चिंता हो रही है। बच्चों की सैंपलिंग स्कूल में की गई थी, हम लगातार सैंपलिंग के बाद जब संख्या बढ़ती है बच्चे दिख रहे हैं, तो इसे ध्यान रखते हुए और ज़्यादा फोकस स्कूलों पर रखेंगे। तेजी से हम वहाँ पर लोगों की सैंपलिंग कराएंगे और लोग अवेयर करेंगे कि अपने इनकी जानकारी सावधानी बरतनी है। नहीं सर, हमने पहले भी अटेंडेंस करनी शुरू कर दी थी, किंतु जिस प्रकार से बच्चे पॉजिटिव आए हैं वो देखते हुए हम विशेष ध्यान रखेंगे स्कूल बच्चों के ऊपर। और अब टीमों को निर्देशित किया जाएगा कि एक दिन के अंदर कम से कम 10 स्कूलों से या 20 स्कूलों से सैंपल इकट्ठा करें और रैंडम सैंपलिंग करें, जिससे कि बच्चों को यदि कोई संक्रमण होता है या तो उसको फैलने से रोका जा सके। विशेष योजना बना के हमारे RRT टीम भी और हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो भी स्कूल चलाया जाएगा, जिससे बच्चों को इस संक्रमण से मुक्त रखा जा सके। राजधानी के स्कूलों में बच्चे हो रहे कोरोना पॉजिटिव, पिछले दिनों में 3 बच्चे आ चुके कोरोना की चपेट में। SMS स्कूल में भाई बहन की रिपोर्ट आज आई कोरोना पॉजिटिव। इसके अलावा महापुरा स्थित JPIC स्कूल का एक बच्चा भी कोविड पॉजिटिव। बच्चे की दूसरी रिपोर्ट 2 दिन पहले आई थी पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में जयपुर में 10 नए पॉजिटिव केस चिन्हित किए गए। अलग अलग तारीखों में केस की बात करें तो 9 नवंबर को 9 केस आए, 10 नवंबर को 2 केस आए, 11 नवंबर को 4 केस मिले, जबकि 12 नवंबर को 17 केस, 13 नवंबर को 11, 14 नवंबर को 16 केस मिले, तो 15 नवंबर को 5 केस सामने आए। जयपुर में सामने आ रहे केसेस ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को चिंतित किया है। असल में 9 नवंबर से लेकर आज तक की बात की जाए तो जयपुर जिले में इन दिनों में 54 कोरोना पॉजिटिव दर्ज हो चुके हैं। इन 54 पॉजिटिव में से 29 मरीजों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी, जबकि 6 मरीजों को वैक्सीन की एक डोज लगी थी। ऐसे में चिंता यह है कि कहीं कोविड वैक्सीन के बाद हुई एंटीबॉडी की क्षमता कम तो नहीं हो रही। रूप से पिछले कुछ दिनों में कोरोना केस में बढ़ोतरी हुई है और पिछले 9 तारीख से देखें तो 54 पेशेंट अब तक कोरोना का केस पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें से 39 केस ऐसे हैं जिनको दोनों वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है, 6 लोग ऐसे हैं जिनको सिंगल डोज वैक्सीन लगाई जा चुकी है, और 4 ऐसे हैं बच्चे को सहित मिलाकर जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगी है, और 6 केस ऐसे हैं जो अनट्रेस्ड हैं जिनको ऊपर सरकार को हमने एड्रेस करेक्ट करने लिखा है। विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि जिनको दोनों डोज लग चुकी है, उनके घर में बच्चे हैं, अभी वो एक्सीडेंट नहीं हुआ है उनका, तो वो विशेष ध्यान रखें वो भी कि अपने को सतर्कता पूरा नहीं हो जाए, कोविड प्रोटोकॉल पालना करें। वैक्सीनेशन बाद भी हमको कोविड प्रोटोकॉल पालना करना अनिवार्य है, जिससे कि ये जो इन्फेक्शन है आगे नहीं बढ़े। लोग कोविड प्रोटोकॉल पालना करें, घर से बाहर जब भी जाएं भीड़ का हिस्सा बने तो अपना मास्क का उपयोग करें, बार बार समूह। जयपुर में पिछले एक सप्ताह में सामने आए कोविड मरीजों की चौंकाने वाली रिपोर्ट। 9 नवंबर से 16 नवंबर तक जयपुर में सामने आए कुल 54 नए पॉजिटिव केस। इनमें से 39 मरीज ऐसे जिन्हें कोविड की लग चुकी दोनों डोज, जबकि 6 पॉजिटिव मरीजों को लग चुकी कोरोना की पहली डोज। इस दौरान बगैर वैक्सीनेशन वाले 4 लोग पॉजिटिव आए। 5 मरीजों को लेकर चिकित्सा विभाग की टीमें पड़ताल कर रही हैं। इस तरह के आंकड़ों ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। चिंता इस बात की है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोग पॉजिटिव कैसे हो रहे हैं। वैसे तो कोविड की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट है। वैक्सीनेशन के साथ ही सीरो सर्विलांस के जरिए लोगों में एंटीबॉडी का स्टेटस भी पता किया जा रहा है, लेकिन चिकित्सकों के मुताबिक जिस तरह से लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल की पालना में अनदेखी शुरू की है, उससे कभी भी कोविड की बड़ी दस्तक सामने आ सकती है। ऐसे में उम्मीद है कि लोग इस गंभीरता को समझेंगे ताकि कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट।